नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वही अन्य पार्टियों को लेकर उम्मीदवारों की तस्वीर साफ होना अभी बाकी है। चर्चा चुनावी तैयारियों को लेकर हम करेंगे एक रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सभी दल जीत की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जीत की दावेदारियों के बीच चुनावी तैयारियों में बीजेपी अन्य दलों से दो कदम आगे नजर आ रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, तो अन्य दल अभी मंथन मंत्रणाओं में जुटे हुए हैं। इसी बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने फिर सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया है कि जो विकास की एक नई गति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है, हरियाणा के लोग उस गति को और गति देते हुए जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने 2047 तक विकसित भारत बनाना है और उस विकसित भारत के अंदर हरियाणा अपनी प्रमुख भूमिका अदा करे और उसमें अपनी भूमिका अदा करते 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी जीत का दावा करते नजर आए। हुड्डा ने जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट आने की बात कही, तो वही कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और सुरजेवाला को लेकर कहा कि अगर वो दोनों लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो मुझे खुशी होगी। देखिए, चेहरों को बदलने से तो खाली सांसदों का नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। और जो बात थी मैंने कह दी थी वहाँ विधानसभा में कही थी, मैंने कहा भाई तुम मुख्यमंत्री बदलते रहो और हम सरकार बदलेंगे। बदले चेहरे बदलने से क्या, ये भी लोकसभा में आ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि दीपेंद्र यहाँ से उसकी वो है, चल रही है चर्चा, पार्टी फैसला करेगी, तो दोनों का कोई चुनाव लड़ने मेरा इरादा नहीं। मैं आज विपक्ष का नेता हूँ, तो आगे प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो मेरा है नहीं। बाकी सुरजेवाला लड़े, शैलजा जी लड़े, हमारे को तो खुशी होगी, सीनियर लीडर हैं। उधर इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी के अन्य दलों से नेताओं को शामिल कराने को और टिकट देने को लेकर निशाना साधा। बीजेपी की हालत इससे ज्यादा खराब क्या होगी कि 35 मिनट पहले जो लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो इनके उम्मीदवार बनते हैं, जो ये कहते हैं कि आरएसएस जो है बहुत पुराना संगठन है, जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान है, असमान कहा रहेगा, इससे बड़ा अपमान और क्या करेंगे। जाहिर है चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी सभी 10 के 10 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। ऐसे में देखना ये है कि नए उम्मीदवारों के साथ मैदान में आई बीजेपी क्या 10 सीटों पर जीत के साथ इतिहास रच पाती है या विपक्षी दल कोई कमाल दिखाते हैं। लिहाजा अभी इंतजार अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों का भी है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, चुनावी तैयारियों को लेकर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता बीजेपी आपके, और बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस आपके, रजवन डहिनवाल, प्रवक्ता इनेलो से, सुमित हिंदुस्तानी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत पंकज जी आपसे, सभी 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं, लिस्ट बीजेपी की 2 हरियाणा से आ चुके हैं, तो नए चेहरों पर जो दांव लगाया गया, आखिर क्या कुछ वजह उसके पीछे रही कि काफी उम्मीदवार इस बार बदले हैं बीजेपी ने हरियाणा में? हाँ, नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। भाजपा की सरकार देश के अंदर फिर से तीसरी बार रिपीट होने जा रही है। मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर अब की बार भारी मैंडेट के साथ जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है वो रियली में सच साबित होगा। और इस सच साबित होने के लिए जो विकसित भारत की एक आज नींव रखी है,
देश को आगे बढ़ाने के लिए जो सोच आज मोदी जी लेके आए हैं, जो कि आज तक हम सुनते आए पिछले 70 सालों से, भारत विकासशील देश है, भारत विकासशील देश है, पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने बात रखी कि भारत को विकसित बनाना है, और विकसित भारत की जो सोच, जो नींव मोदी जी ने रखी है, उस पर जो मोहर लगेगी वो 400 पार अवश्य भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जाएगी। जो भी चेहरे पार्टी में आज नए चेहरे, आप बात कर रहे हैं कि कुछ पैसों पर दाव खेला, कोई दाव नहीं, ये पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। और भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती ये है कि कोई कार्यकर्ता ये सोच सकता है कि मुझे एमपी का टिकट मिल जाएगा, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं राष्ट्रीय संयोजक बन सकता हूं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यह आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की पार्टी या इनेलो पार्टी नहीं है, जो सिर्फ एक आदमी से बाहर नहीं निकल पाते, एक परिवार से बाहर नहीं निकल पाते। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, इनके संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, जेल के अंदर चले गए, कुर्सी का लोभ नहीं छूट रहा है। पहले कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो नहीं छूट रही है। उनके एक व्याख्यान में यह भी था कि कहीं मैं अगर गलत हो जाऊं तो मुझे भी जेल जाना चाहिए, लेकिन आज जेल चले गए हैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और यही कांग्रेस के जो नेता हैं पवन खेड़ा जी, जो इनके प्रवक्ता हैं दिल्ली से, अजय माकन जी हैं, एक रवनीत सिंह बिट्टू जी हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने उजागर किया था अरविंद केजरीवाल का 100 करोड़ का दारू का घोटाला, और आज यही लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ जी नाइंसाफी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है या लोकतंत्र की हत्या हो रही थी तो आज आप लोग साथ क्यों हैं? जब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को गालियां देती थी, अरविंद केजरीवाल चीख चीख के कहते थे कि सोनिया गांधी पर ईडी सीबीआई की रेड होनी चाहिए, उसके ऊपर इंटेरोगेशन होना चाहिए, तो आज जब उनके ऊपर आ रहा है तो क्यों भाग रहे हैं भैया? नोनो संबंध का जवाब आप नहीं देते हैं, देश की न्यायपालिका का, न्याय प्रणाली का आप अवहेलना करते हैं बार बार में, और आज ईडी की एक कार्रवाई हो जाए तो आप लोगों को आज वो गलत लगती है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आज बैठे जरूर बताएं यहां पर कि आपकी पार्टी के ही नेताओं ने, आपकी पार्टी के ही प्रवक्ताओं ने अगर इस बात का खुलासा ना किया हो कि अरविंद केजरीवाल का जो 100 करोड़ का घोटाला है हमने उजागर किया, यानी कि आपकी ही पहल थी साहब, आपने ही बताया था अरविंद केजरीवाल चोर है, आप लोगों ने ही बताया था अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। कब अरविंद केजरीवाल की पार्टी या वो नेता जो संयोजक थे, कब वो क्रांतिकारी से कांडकारी हो गए, कब क्रांतिकारी से कब भ्रष्टाचारी हो गए? स्वराज की किताब बेचने वाले आज दिल्ली के अंदर दारू बेच रहे हैं, ये उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ मॉडल रहा। लिस्ट पर भी आप आइए, बीजेपी की लिस्ट को लेकर बात करते हैं। मैं सेविंग बात कर रहा था, अंबाला में तो हालांकि कोई विकल्प नहीं था, लेकिन बाकी जो सीटें बदली गई हैं, उम्मीदवार बदले गए हैं, क्या आपके मौजूदा एमपी अच्छा काम नहीं कर पाए थे? आपकी पार्टी के पास रिपोर्ट ये थी कि हार रहे हैं इस बार? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं थी। रिपोर्ट पार्टी के पास ये है कि 400 पार मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई इफ और बट कहीं से भी नहीं है। हमारे जो नए चेहरे हैं, क्या नए चेहरों को मौका नहीं देना चाहिए? आज हुड्डा साहब कह रहे हैं कि दीपेंद्र की तो बातें चल रही है, मतलब इनकी तो बातें चल रही है। अभी बजरंग दास गर्ग जी बोलेंगे हमारे पास तो 362 लोगों की लिस्ट है। अरे 362 लोगों की लिस्ट है, 10 निकाल के दे दो, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे होंगे कब हमारा नाम आएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, मैंने पहले भी कहा, इसमें कब कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कब कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, कब कार्यकर्ता या चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाए? अगर यह संभव है तो इसके अंदर, भाजपा के अंदर और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सिर्फ इसके अंदर ही संभव है, किसी और पार्टी के अंदर संभव नहीं है। इनेलो के प्रवक्ता भी बैठे हैं, आप कुरुक्षेत्र से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, सुनैना चौटाला को आप हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही परिवार की पार्टी भाई, एक ही परिवार में दो कैंडिडेट हैं, क्या आपके संगठन में आपके पास कैंडिडेट नहीं थे? मैं आम आदमी पार्टी पर भी आना चाहूंगा एक बार फिर से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अगर कैंडिडेट एक रहे तो सुशील गुप्ता जी हैं। अरे भैया प्रभारी भी वही, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी वही, कैंडिडेट भी वही, कुरुक्षेत्र लोकसभा से लेना एक ना देना दो, फिर भी आपने उम्मीदवार बताया, क्या एक आदमी की पार्टी रहेगी? क्या एक ही आदमी को है आपके पास? आप तो दम भरते थे। कुरुक्षेत्र हरियाणा की वो सीट है जहां से बाहरी ही बनते आए हैं, कैलाश सैनी की अगर बात ना करें तो ज्यादातर बाहरी जिलों के ही उम्मीदवार जीते हैं। आपको ये भी समझना रहेगा, चलिए मैं चर्चा को आगे ले जाते हुए, बजरंग दास जी जो बात कही अभी बेनीवाल साहब ने कि आप कहेंगे कि हमारे पास तो सैकड़ों पैनल में नाम शामिल हैं, बहुत सारे चेहरे हमारे पास हैं, तो किस बात का इंतजार कर रही है पार्टी की? अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है, सिंगल नाम भी आप लोगों की ओर से घोषित नहीं किया गया है हरियाणा को लेकर। ज्योति ही 2 महीने पड़े हैं, हमें उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव हरियाणा में पहले या सेकंड चरण के अंदर होगा, मगर
हमारा नंबर हरियाणा का आखिरी में पड़ा। 25 मई को चुनाव हो रहे, पूरे दो महीने इस चुनाव के लिए पड़े हैं। और हमारी जहां लोकसभा चुनाव की बात है, पूरी तैयारियां हैं। हर कांग्रेस पार्टी का नेता कार्यकर्ता जनता के बीच, यानी कि आज लग रहा है, लगातार 4.5 सालों से लगा हुआ है। और हम तो 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहते हैं, चुनावी मूड के अंदर रहते हैं, हर एक मुद्दे के लिए बोलना, हर एक मुद्दे के लिए जनता के बीच जाना, जनता की समस्या उठाना हम अपना फर्ज मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं। उसके अंदर कांग्रेस पार्टी हर नेता कार्यकर्ता पूरी तरह से जुटा हुआ है, इसमें कोई दो राय। दूसरी बात, जहां है भाई, बार बार मेरे साथी भी कह रहे थे भाई भारतीय जनता पार्टी बड़े गीत गा रहे थे, मैं इनकी बात बताऊंगा, बेनीवाल जी की भी, जो पंकज जी लंबी चूड़ी बता रहे थे बात, मैं ज्योति जी पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी क्यों डरी हुई है? 10 में से 6 कैंडिडेट तो उधारे कांग्रेस के मांगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, आपके पास कैंडिडेट नहीं है। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि दीपेंद्र के नाम की भी चर्चा चल रही है, वो तो तंज कसते हैं कि सुरजेवाला को और शैलजा जी को चुनाव लड़ना चाहिए, खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते, अपने बेटे को क्यों नहीं चुनाव लड़वाना चाहते, अरे डर किसकी बात का है भैया? आप सुनिए इनकी बात, अब पूरी ज्योति जी और आप बार 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 जो बाहरी वाली बात कह रहे हैं, कुरुक्षेत्र में आप लोगों ने भी बाहरी उम्मीदवार ही उतारा है आपकी पार्टी ने भी। बजरंग जी आप बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं जहां कहना चाहता हूं, इनका सिस्टम कुछ नहीं है, ये डरी हुई कंफ्यूज पार्टी है। ये चंदा दो धंधा लो मलाई खाओ वो पार्टी है। ये तो यू चाहे जो भारतीय जनता पार्टी का पटा पैर ले वो तो ईमानदार नहीं, बाकी सारे चोर। आपने नीतीश देख लिया, नीतीश कुमार जी पे ईडी छोड़ दी, सीबीआई छोड़ दी, अरबों रुपए घोटाले के रोप लगा दी, और जब अपने साथ मिला लिया, सरकार बना ली, भाई बढ़िया, बहुत ईमानदार आदमी। वो मोदी के गीतकार है, मोदी उसके गीतकार है, एक दूसरे हाथ पकड़ बड़ी माला के अंदर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ईडी के सामने पेश हुए थे, अरे क्या ज्वाइन कर ली क्या? कुछ भी अनगिन बातें करेंगे, अपने दिमाग से एक्सपेरिमेंट सेट करेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी के सामने पेश हुए थे, पेश हुए थे, इस बात का जवाब दो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 घंटे तक अगर ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो आप इस बात का जवाब दें। राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए थे, नहीं हुए थे? अरे किस किस पर आप आरोप लगाएंगे? स्वतंत्र प्रभार है, स्वतंत्रता से काम कर रही है एजेंसियां, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा आपकी सरकार। ये क्या तरीका है? क्या आप जब बोलकर रुक गए थे, आप इतना टाइम ले चुके थे, उसके बाद में आगे बढ़ी हूँ डिबेट में, आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे? बेनीवाल साहब, आप कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बात करेंगे क्या? आप कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बात करेंगे क्या? ज्योति जी, अगर 2 महीने बाकी है तो आप लोगों ने जो पैनलिस्ट गए थे, सुनिए, जो नाम गए थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिए कांग्रेस ने। अभी जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, जिस वक्त हम डिबेट कर रहे हैं, बैठक जारी है, तो क्या उसमें अभी आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि अभी तो समय बचा के अभी छोड़िए, अभी अनाउंस नहीं करेंगे, या कल जो सीसी की बैठक होगी उसमें हरियाणा को लेकर मंथन नहीं करेंगे? क्योंकि बजरंग जी को लगता है अभी चुनाव में 2 महीने का वक्त बाकी है। मैं कह रहा हूं ज्योति जी, हमारा मंथन जारी है, आज भी जारी है, कल हो सकता है हमारे नाम सारे फाइनल हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो बात थी मैं बताना चाहता हूं, यही पंकज बेनीवाल जी आज आपकी चैनल में जोर जोर से बोल रहे हैं, आपके चैनल के ऊपर ही ये कहते थे देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों का विजन तो बता दो। अरे चोर चोर मोशेरे भाई, कल तक केजरीवाल को गाली देने वाले, और केजरीवाल आप लोगों को गाली देने वाला इंसान आज एक गोदी में आके बैठ गए। आप लोगों का विजन है क्या? विजन आपका ये है कि नरेंद्र मोदी जी से सपना दिखाया हर एक भारतीय को कि विकसित भारत बनेगा, उस सपने के खिलाफ हो आप लोग। आप लोग आज विकसित भारत बनने के लिए बाधा कर रहे हो, लोकतंत्र शब्द का प्रयोग करके
आज चोर चोर इकट्ठे होकर एक तराजू में बैठे हैं, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी सोच है जो देश को आगे लेकर के जाएंगे, जो देश के लिए आज विकसित अगर होने की बात करते हैं, वो सिर्फ मोदी जी करते हैं। आपकी सरकार का कोई विजन नहीं है, आप एक विजन गिना दीजिए। पंकज जी, आपको बार बार नहीं, मैं आपको बार बार नहीं टोकने वाली हूँ, आपको बार बार नहीं टोकने वाली हूँ। विंडो चेंज करो प्लीज यार, विंडो चेंज करो। बदरन जी, आप अपनी बात पूरी करें, और बेनीवाल जी, आप बीच में बार बार नहीं बोले, आप बार बार नहीं बोलेंगे, आपको म्यूट कराना होगा। कोई तरीका नहीं डिबेट का। मैं दावे के साथ कहता हूं, ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से हरियाणा में चुनाव लड़ेगी, 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। मैं दावे एक बात और कहता हूं, अगर इनके पास कैंडिडेट थे रातों रात नवीन जिंदन को लाकर, जबकि नवीन जिंदन मेरा पारिवारिक आदमी है, मेरा रिश्तेदार है, हम सब मिलकर काम करते हैं, मतलब क्या था इतना भारी दबाव, आपको ही पता है, सारी दुनिया को पता है। और आधा घंटा पहले पार्टी ज्वाइन, रात घंटे के अंदर उनको कैंडिडेट बनाया जाता है। इनके पास कैंडिडेट थोड़ी है, कैंडिडेट होते तो इस तरह आपकी पार्टी के नेताओं का अपमान करते। इन्होंने एज गानी हर जगह ऐसी स्थिति बनाई हुई है। अगर ये मजबूत थी, 10 की 10 सीटें जीतने वाली थी, कल तो मनोहर लाल जी कहते थे, आप भारतीय जनता पार्टी हर नेता कहता थे, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में 10 की 10 सीटें जीतेंगे और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में बनाएंगे। मनोहर लाल जी को मक्खी के अंदर, दूध के अंदर मक्खी दिया, बाहर निकाल के फेंक दिया। क्यों निकाल दिया? पता लग गया हरियाणा के अंदर कोई चलिए, वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया हो, ऐसा नहीं है बजरंग जी, ऐसा नहीं है। वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से। अभी मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। डहिनवाल जी, आप लोगों की लिस्ट कब तक आ जाएगी उम्मीदवारों को लेकर? जी देखिए ज्योति जी, लिस्ट हमारी धीरे धीरे जारी हो रही है। जिस प्रकार से एक हमारा कैंडिडेट चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को कुरुक्षेत्र से डिक्लेयर किया, और उसके बाद हिसार से, आपको सभी को पता है कि किस प्रकार से हिसार के जो हमारी पार्टी के जो कोर कमेटी है, और वो जब फील्ड में गई तो वहां पर उनके नाम से बार बार एक डिमांड आई थी कि सुनैना चौटाला जी इस इलाके के लिए, अगर इस लोकसभा के लिए आती है तो वो मजबूत दावेदार होंगी। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने तो यही कहा था कि भाई जब इलाका किसी भी कैंडिडेट की डिमांड करता है, वर्कर किसी भी कैंडिडेट की डिमांड करता है, तो वर्करों की बात को सर पर ही रखना चाहिए, और उसी के आधार पर उन्होंने अपना नेक्स्ट कैंडिडेट भी कर दिया। और धीरे 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 हमारी पार्टी सारे कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर देगी, इसमें कोई बात नहीं। निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल दल पार्टी मजबूती से 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहां पर जो बार बार 400 पार की बात करते हैं, उनकी तरह नहीं है कि उनके पार 400 पार का नारा देना एक अलग चीज है, लेकिन उनसे अगर कोई पूछे कि आपके कैंडिडेट कहाँ है, बोला कोई बात नहीं, कैंडिडेट हम कांग्रेस के ले लेंगे, कैंडिडेट हम दूसरे दल से ले लेंगे, बोला हमारे पास हमारा संगठन पूरा है, बोला चुनाव में लड़ाने के लिए हमें दूसरे पार्टी के लोग चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि उनके पास दरबारी घोड़े पूरे हैं, उनके पास जंगी घोड़े कोई भी नहीं है। अब वो दरबारी घोड़ों को मैदान में ना उतार कर इधर उधर से उधार के कैंडिडेट, आपने देखा होगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी चुनाव लड़ा है, इससे पहले उपचुनाव आपने देखे होंगे कि किस प्रकार से जींद का उपचुनाव हुआ, कृष्ण विड्डा को इन्होंने उधार का कैंडिडेट लिया, इसके बाद इन्होंने बजरंग वहां पर आदमपुर में किस प्रकार इन्होंने आप लोगों ने क्या किया था आदमपुर में, आप लोगों ने क्या किया था आदमपुर में, बिश्नोई को इन्होंने ले लिया, जींद में आप लोगों ने क्या किया था, आप लोग भी तो पंचायती उम्मीदवार कह के किसी मैदान में लाए थे, आदमपुर में क्या किया था आप लोगों ने? नहीं, आदमपुर में कमाल कर दिया, हम अगर कोई हमारी पार्टी में आए उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ऊपर चला जाए, मैं उनकी तो बात कर रहा था। जब ये सवाल उठा रहे हैं तो आप इस बात को भी सुनिश्चित करें ना कि आपकी पार्टी नहीं करती है। उनके ऊपर क्या आप जब नहीं मैं उनसे भी सवाल पूछती हूँ, उनसे पूछा मैंने, उनसे पूछूंगी मैं भी। नहीं, आप ये बताएं, जब आप आदमपुर में चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवार लेकर आते हैं, उसे आप चुनाव लड़वाते हैं, तो आप ये खुद भी तो आईना देखिए ना दहिनवाल जी, खुद भी आईना देखिए। मैं एक मिनट ज्योति जी, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर एक मिनट मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने अपनी बात का हमेशा एक चीज कहा है कि अगर पब्लिक अगर ये कहती कि हमारे इस कैंडिडेट को आप टिकट दे दो, तो हम पब्लिक की बात मानेंगे, हम पार्टियों की बात नहीं मानते। अच्छा। यहाँ पर तो खुद पार्टी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने, हम तो नवीन जिंदल का इंतजार कर रहे हैं, उनकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। 30 मिनट पहले जिसने पार्टी ज्वाइन की उसको टिकट दे दिया, एक व्यक्ति निर्दलीय से, और निर्दलीय
थे उनको मंत्री पद दिया, मंत्री पद के बाद उनको पार्टी ज्वाइन की, और पार्टी कौन ज्वाइन करा रहा है, कितनी जल्दबाजी में पार्टी ज्वाइन की आपने देखा होगा ज्योति जी, जो व्यक्ति 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है वो उनको पटका पहना रहा है, मजाक बना रखा है ये इन्होंने कि कोई भी आए कोई भी जो भी मौके पे मिला वो पटका पहना दो, हमारी पार्टी की टिकट ले लो। ये बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के पास बहुत से कैंडिडेट है, बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी के पास केवल और केवल जनता को भ्रमित करने के लिए और ऊंची आवाज में बोलकर दूसरे लोगों की आवाज दबाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। एक बार ये कहते हैं कि इनका विजन है, इनका विजन क्लियर है, 2047 की बार बार बात करते हैं। ज्योति जी मैं लगातार डिबेट में एक चीज कहता हूं, 2014 में चुनाव आए थे, इन्होंने वायदे किए, उन वायदों पर क्या राह कर रहे कुछ भी नहीं बताते, 2019 में इन्होंने जनता से वायदा किया, क्या किया कुछ नहीं बताते। आप जब भी दल बदल की बातें करते हैं ना डहीनवाल जी, ये सारी पार्टी में ये नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि बीजेपी में नहीं है कांग्रेस में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने तो अभी अभी क्या किया, आप लोग रामपाल माजरा को लेकर आए, उसी पीसी में वो शामिल होते हैं, उसी प्रेस वार्ता में उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो जब आप ये कहते 35 मिनट पहले आए और उनको टिकट दे दिया गया तो माजरा पर भी जवाब नहीं। ज्योति जी क्या आपको नहीं, माजरा जी के ऊपर जवाब मैं देता हूं, क्या आपको पता है कि माजरा जी की स्टेटमेंट क्या थी, माजरा जी की स्टेटमेंट ये थी कि मैं चौधरी देवीलाल परिवार से भले ही मैं अलग हूं, किसान आंदोलन में आपने शायद देखा होगा कि चौधरी रामपाल माजरा जी, एक मिनट ज्योति जी या तो आप अपनी बात पूरी करवा लीजिए मेरे से अगर बात पूछिए तो मैं जवाब तो दे दूं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में चौधरी अभय सिंह चौटाला चौधरी रामपाल माजरा जी की बात हुई थी, रामपाल माजरा जी से यही कहा था कि अभय सिंह चौटाला जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने रामपाल माजरा जी से पूछकर जब उनसे डिस्कस करके आपस में वो ये क्या कह रहे थे कि बोला हम किसान हितैषी हैं, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके इस प्रकार के निर्णय लेते हैं, तो वो तो उसी दिन इंडियन नेशनल दल पार्टी में आ चुके थे, लेकिन औपचारिक जो घोषणा थी वो इन्होंने अब की है, और वो हमारी पार्टी के पुराने सदस्य हैं और ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने बचपन से लेकर और अपना सारी जवानी उनमें बिताई है, और आज उनकी अगर हमें जरूरत है तो हमने अपनी पार्टी में ले लिया, तो आप उनको ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उन्होंने तो अपना सारा जीवन इंडियन नेशनल दल के लिए बिता दिया, आप उनके कंपेयर ऐसे लोगों के साथ ना करें जो आधे घंटे पहले आए और उनके हाँ का इंतजार कर रहे थे। दूसरी चीज जो बार बार ये कहते हैं कि हमारा विजन क्लियर है, इनका विजन पूरी तरह से क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी का विजन की मैं बता देता हूं, इनका विजन है कि बार बार भ्रष्टाचार की बात करो, भ्रष्टाचार का और लोगों के ऊपर आरोप लगाओ, और भ्रष्टाचार के जो आरोपी है या जो कोल घोटाले के जो दोषी है उन लोगों को टिकट दे दो, और जब इन्होंने टिकट जब दी है, अभी मैं एक चीज और दे रहा था, जनार्दन रेड्डी था, मैं अभी देख रहा था कर्नाटक में एक ऐसे आदमी को ज्वाइन कराई है भारतीय जनता पार्टी जिसके पास सीबीआई के 9 मुकदमे दर्ज है, अब ये चीज है, अब कहां गए भ्रष्टाचार, इन्हीं लोगों से पूछना है, ये जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, किसी भी हाल में भ्रमित नहीं कर सकते। एक रही बात, मुख्य विपक्षी दल आज कांग्रेस है, लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस और कांग्रेसी दोनों अपने खो चुके हैं, वो अपना जनाधार है, अपना धरातल पर जो उनकी सच्चाई थी उससे वो विमुख नहीं हो पा रहे, उनको पता लग गया किस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जवाब दे रहे हैं कि भाई मेरा तो मन में नहीं है चुनाव लड़ने की, शैलजा जी लड़े, ये तंज है ना, सुरजेवाला जी लड़े, ये तंजी है और क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि ओम प्रकाश नहीं अपना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये एक दूसरे के कांटे निकालने के लिए तैयार बैठे, इन्होंने जिस प्रकार से जींद में सुरजेवाला जी का कांटा निकलवाया इस प्रकार आप यहां पर भी उम्मीद कर रहे हैं कि मैं किसी तरह सुरजेवाला जी को शैलजा जी को किरण जी को इनको साइडलाइन करा दूं, यही है उनकी नीयत, उनकी नीयत कभी ये नहीं है कि चुनाव मैं लड़ूं। मैं एक चीज आमतौर पर बताना चाहता हूं कि सेनापति मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर सेना का हौसला भी बढ़ेगा, लेकिन यहां पर सेनापति कह रहा है कि तुम लड़ाई लड़ो मैं पीछे हूं तुम्हारे, तो ये ऐसा सेनापति कभी भी लड़ाई नहीं लड़ सकता। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो बार बार चौधरी अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर उनके इशारों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर राजनीति कर रहे हैं। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में अगर बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने 10 की 10 सीटों की जो बात कर रहे हैं तो वो सबसे पहले कहे भाई मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मेरा बेटा भी चुनाव लड़ेगा, और भी पार्टी के जो बड़े नेता है जो अपने आप को ये कहते हैं कि शीर्ष पदाधिकारी है उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पीछे हट रहे थे, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि कांग्रेस अपनी हार मान चुका है। आज की डेट में अगर कोई किसानों का हितैषी है, कोई गरीबों का हितैषी है, कोई हरियाणा की आवाज को उठाने वाला है तो केवल एक व्यक्ति है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। सबसे पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए यह कहा था कि मैंने जिम्मेवारी लगाई है, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र से कहा कि कुरुक्षेत्र से चुनाव कार्यकर्ताओं ने कहा चुनाव लड़ेंगे, और कुरुक्षेत्र से जो बार बार ये कह रहे हैं कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला पूरी तरह से तैयार है। और आप देखिए पहले हम बार बार क्या कहते थे कि इनलो पार्टी मजबूती से टक्कर देगी, लेकिन हम आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इंडियन नेशनल दल पार्टी टक्कर नहीं देगी, इनका इलाज करके जाएगी, ये जो 70 पार की
400 पार की बात करते थे, इनके 10 की 10 की बात करते हैं, 10 की 10 सीट लेंगे। इनको असलियत से वाकिफ कराएंगे। अभी तो देखिए इनके पास कैंडिडेट नहीं है, और वो लोग जब धरातल पर जाएंगे, जब जनता के बीच में जाएंगे, तो इनको हकीकत से वाकिफ होना पड़ेगा, क्योंकि जनता जवाब मांगेगी और इनके पास जवाब नहीं है। कुरुक्षेत्र में जब जाएंगे ये तो इनसे पूछेंगे कि आप कल तक ये घोटाले का आरोप नाम तो आपने ले लिया, अभय और सुनेना, अभय और सुनेना के अलावा 8 सीटें जो बाकी हैं, आप ये दावे से कह सकते हैं कि दूसरी पार्टियों से अगर किसी को टिकट नहीं मिलता, वो इनेलो में आता है तो उसे टिकट नहीं देंगे आप लोग? आप लोग ये नहीं करेंगे जो दूसरी पार्टियां कर रहे हो? मतलब नहीं, एक चीज है, मैं आपको आज भी इस चीज के लिए बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति इंडियन नेशनल दल की पृष्ठभूमि का व्यक्ति अगर पार्टी में आता है तो निश्चित तौर पर। और आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये जितने भी खिलाड़ी मैदान में घूम रहे हैं, ये चौधरी देवीलाल की नर्सरी के ही खिलाड़ी हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। यहाँ पर जो आज बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, ये अपने नेताओं को एक बार चुनाव लड़ा के दिखाए। आपने देखा है कि आज जो 10 इन्होंने सीट डिक्लेयर की है उसमें से 6 कांग्रेसी हैं। जब कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग, इन्होंने कांग्रेस को खत्म करने का नाम लिया था, लेकिन ये कांग्रेस को खत्म करने की बजाय आज भारतीय जनता पार्टी ही कांग्रेस वालों का, इनका एक मान के चलिए कि कांग्रेस वालों का जो वर्चस्व है वो बीजेपी में बना जा रहा है। चलिए, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ दूं, बिल्कुल ये सवाल तो बेनीवाल जी आपको पूछेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि 6 के 6 अभी आए हैं कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस के बैकग्राउंड से जुड़े रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सुमित हिंदुस्तानी जी, अभी आपने पंकज बेनीवाल जी को सुना, इनका कहना है कि कोई भी पद हो, कोई भी जिम्मेदारी हो, कुछ भी बात हो, केवल एक ही नाम को आगे रखते हैं, सुशील गुप्ता, केवल एक ही व्यक्ति की चलती है, सुशील गुप्ता। नहीं, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। ऐसा कुछ आम आदमी पार्टी के अंदर तमाम पदाधिकारियों की सलाह मशवरा के बाद ही आदरणीय डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी को कुरुक्षेत्र की लोकसभा का जो इंडिया अलायंस का उम्मीदवार है वो बनाया गया है। इसमें पूरा का पूरा, देखिए पहली बार ऐसा हुआ राजनीति दल के अंदर पूरे हरियाणा के संगठन ने डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी के नाम के ऊपर हाथ धरा। इसे कहते हैं संगठन वाले दल। मेरे बड़े भाई जो पंकज बेनीवाल जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत सारी महिमा मंडल कर रहे थे, आपके कुरुक्षेत्र के जितने भी पन्ना प्रमुख हैं, आपके कुरुक्षेत्र लोकसभा के जितने पदाधिकारी हैं, आप एक बार आए इनका हालचाल पूछें। आज 400 पार की बात करने वाले लोग, इनके टेंट में आज 400 लोग भी नहीं थे, जबकि आपका उधार का जो प्रत्याशी था आज वो वहां पर आज पहली बार वहां पर आया था। दूसरी बात, मेरे भाई ने भ्रष्टाचार की बात करी, भ्रष्टाचार का नाम सुनते ही मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि ये ठीक उसी तरह लगता है कि जब अजीत पवार की बात आती है तब भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जम जाती है, जिसके खिलाफ इन्होंने आंकड़े रखे थे। आप अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ बताएंगे सभी को? वहां पर किसी का चैप्टर खोलेंगे? अरे मनीष सिसोदिया जी 13 महीने से जेल में अंदर है, पार्टी के मुखिया बाहर हैं, पार्टी के मुखिया उनके फेवर में एक सबूत नहीं लेके आ सकते और खुद भी जेल चले जाते हैं, तो भैया झोल झाल है पूरा, पूरे की पूरी पार्टी भ्रष्ट है। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि भ्रष्टाचारियों के साथ आज आप खड़े हैं, और जिस भ्रष्टाचारी पार्टी को आप गालियां देते थे, अब कमाल का अलायंस है साहब आपका, आपने कहा कि इंडिया अलायंस का कैंडिडेट हमारा मजबूत है, आपका अलायंस खतरनाक नहीं है क्या? पंजाब के अंदर आप कुछ और बात कहेंगे कि हमें तो कांग्रेस एक ही कांग्रेस बोलेंगे, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल को शर्म नहीं आती हरियाणा में आकर के ये बात कहते हुए कि हम यहाँ के लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं? इंडिया अलायंस है, अपनी बात कहने दीजिए, आप सबके बीच में नहीं बोलेंगे, इनको अपनी बात कहने दीजिए। ज्योति जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ, ये संगठन की बात करते हैं, आपको भी तो जुम्मे 4 दिन हुए भाजपा में आए, आपने पता नहीं किस कार्यकर्ता का जो भाजपा का पिछले कई वर्षों से झंडा उठाना था उसकी नौकरी आपने खा ली, उसका प्रवक्ता का पद आपने छीन लिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कैसी अनगल बातें आप करते हैं, मुझे तो आपकी बातें सुन के अजब अचंभा आ रहा है, हंसी आ रही है आप लोगों की बातें सुन के। कौन से संगठन की बात आप लोग करते हैं? 1.5 लाख के संगठन की दम भरने वाले लोग, अगर 10,000 लोग दो संगठन के इकट्ठा कर दे तो हम भी यही बैठे हैं। आपके पास 10,000 लोग तक नहीं है पूरे हरियाणा के अंदर, आप बात करते हैं। आज आपके प्रदर्शन थे, किसी भी प्रदर्शन में 50 से ज्यादा लोग थे क्या? अरे पूरे हरियाणा में 50-50 लोग आपके इकट्ठा नहीं होते, आप लोग दम भरते कि हमारे वो हैं। आप कहते हैं ग्राम समिति 11-11 लोगों की है, आप 5 गांवों का नाम गिना दो कि इन 5 गांवों में 11-11 लोगों की समितियां हैं। मैं यहीं बैठा हूं, मैं मान जाऊंगा कि आम आदमी पार्टी का संगठन है, जिस संगठन के दम पर आप उम्मीद करते हैं कोई संगठन नहीं है, ऐसे कागज भर रखे हैं आप लोगों ने झूठे। मैं आपके संगठन से भली भांति वाकिफ हूं कि कैसा
गीला डाला डगमाया डगमगाया हुआ संगठन आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर है। अगर आपके पास आपके कैंडिडेट हैं और आपके पास चुनाव लड़ने का मौका है तो क्यों काम करें? इसके टेंटों में जाकर क्यों रहेगा? सुमित जी आप अपनी बात कहें। पंकज बेनीवाल जी आप डिबेट को खराब कर रहे हैं, आप केवल डिबेट को खराब कर रहे हैं। ज्योति जी मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ, अरे जिन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान की मान सम्मान हमारी पहलवान बेटियों के साथ यानी 70% इनका भाषण है, आरोप का जो उनको एक टिकट देते हैं, किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रोंदने वाले व्यक्ति को, किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रोंदने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा पर बात करें, हरियाणा पर बात करें। पंकज बेनीवाल जी आप क्यों डिबेट को खराब कर रहे हैं? केवल आपको बोलने के लिए नहीं बुलाया गया, आपके अलावा भी चार पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। लेकिन अपने समय में कहिएगा, मैं अलाउ नहीं करूंगी। आप बहुत देर से खराब कर रहे हैं डिबेट को, लगातार बोल रहे हैं आप, लगातार आपको जो भी बोलना है केवल अपने टाइम में आप बोलेंगे। ज्योति जी आप अपनी बात पूरी करें, देखिए क्या क्या चल रही है, चर्चा नहीं हो पाती ऐसे एक दूसरे के बीच में आप बोलते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो पहले सांसद था, लोगों के बीच में जो जीतने के बाद धन्यवाद करने भी नहीं गया, उस व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री के पद से नवाजा। अरे अगर आपने हिम्मत की, हरियाणा प्रदेश के लोगों को जो पिछले 9.5 साल से आप लोगों ने लूटने का काम करा, मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पे चुनाव लड़ते ना हरियाणा प्रदेश के अंदर, आपको आईना दिखाई दे दिया होता। और जो ये नायब सैनी को जब गायब सिंह सैनी बोला जाता है ना, ये कुरुक्षेत्र के लोगों ने बोला है, कुरुक्षेत्र के गाँव के अंदर कोई बाइट है किसी की, किसी नागरिक की? आप कह रहे हैं कुरुक्षेत्र के लोगों ने बोला, केवल आपकी पार्टी एक एजेंडा इस तरह का लेकर चल रही, ठीक है चुनाव में सभी तरह के आप लोग तरीके अपनाते हैं, लेकिन क्या किसी कुरुक्षेत्र के वोटर ने कहा है कभी? आप लोग शुरुआत से बात कहते आ रहे हैं। 10 सेकंड और मैं आपसे पूछू, 10 सेकंड और मुझे ये बता दीजिए कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर जब बाढ़ आई, अभी पिछले दिनों में कुछ बाढ़ आई, तब ये इनका नवीन जिंदल कहां पर था? कुरुक्षेत्र लोकसभा में पिछले 10 साल से किसके तो दुख में शामिल हुआ, किसके सुख में शामिल हुआ? अरे आप कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को डराकर धमकाकर फैलाकर फुसलाकर 190 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बोर्ड का चंदा लेकर इसको अपनी टिकट दे देंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को रोकने का काम आप करेंगे और आप कहते हैं कि आप लोग 400 पार कर लेंगे? अरे जमानत जब्त होगी आपके प्रत्याशी 9 की 10 की 10 लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, क्योंकि इनके जो 6 प्रत्याशी हैं वो तो पहले वाली पार्टी के नहीं होके रहे, तो इनके क्या हो जाएंगे? उस पार्टी ने इतना इनको मान सम्मान दिया, इतना इज्जत दी, इनको नवाजा, आज वो इनके नहीं हो पाए तो इनके क्या हो जाएंगे? हरियाणा की जनता इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है, पूरी तत्परता के साथ, पूरे भरोसे के साथ। आप देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे, इंडिया अलायंस का एक ईमानदार और सच्चा देशभक्त देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठेगा और किसान की, महिला की, युवाओं की, कर्मचारियों की, व्यापारियों के हित में फैसले करेगा। जादून साहब, बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है, सभी 10 नाम घोषित किए जा चुके हैं, दूसरी पार्टियों को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस की बात करें, एक भी उम्मीदवार का नाम अभी तक ऐलान नहीं किया गया है कांग्रेस की ओर से हरियाणा में। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो लोकसभा चुनाव के मामले में कम से कम हरियाणा में तो सभी से आगे चल रही है, सभी तरह की तैयारियां उनकी आगे चल रही है। अब तो ये सारे प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, अब ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस इंतजार कर रही हो कि भारतीय जनता पार्टी किसको चुनाव मैदान में उतारती है, तो अब तो उनकी पूरी लिस्ट आ चुकी है। लेकिन कांग्रेस पता नहीं क्यों अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही है, जबकि वो सब लोग जो कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है, तो कांग्रेस के सब नेता वो कुरुक्षेत्र सीट के लिए आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने में जुटे हुए। तो मुझे लगता है कि किस बात का संकोच है, अगर नेताओं को कोई संकोच से चुनाव लड़ने से वो बचने का प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा होता कि आम आदमी पार्टी को कुछ और सीटें दे दी जाती, नहीं तो इतना जो विलंब है ना ये काफी असामान्य हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। वो उसी स्थिति में जो कांग्रेस एक तरह से दल है और वो इतनी ढिलाई पर चल रही है कि प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होती, जबकि क्षेत्रीय दलों का भी अपनी तैयारी चल रही है, इन्होंने भी 2 कैंडिडेट घोषित कर दिए, अभय सिंह लड़ेंगे कुरुक्षेत्र से और सुनैना चौटाला का हिसार से नाम घोषित किया गया है,
और आगे भी आ जाएंगे, तो जननायक जनता पार्टी ने भी आज फैसला कर लिया कि वो सभी 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे और चंडीगढ़ की सीट पर भी लड़ने का इरादा उनका, तो उसके लिए सर्वे करवाएंगे, कुछ तैयारी करेंगे, किस तरह से करेंगे, इसके बाद कुछ फैसला करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात पर सहमति जताई गई आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में कि चंडीगढ़ से चुनाव लड़ा जा सके। तो कांग्रेस को तो कुछ और स्पीड दिखानी चाहिए, सारे प्रत्याशी आए मैदान में, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इतनी सीटें हासिल नहीं कर पाएगी उतनी नहीं कर पाएगी, लेकिन हरियाणा में जो स्थिति है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो है बहुत संकोच में चुनाव लड़ने की स्थिति में, कोई मजबूती के साथ कोई हौसला नहीं दिखाई देता विपक्ष जी। पंकज बेनीवाल जी, जो अभी डहनवाल जी ने भी कहा, दूसरे प्रवक्ता भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं कि अभी कांग्रेस से आए हैं, लेकिन 6 उम्मीदवार 6 नाम वो हैं जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, तो क्या बीजेपी के पास अपने चेहरे, अपने नाम, अपने नेता नहीं है मैदान में उतारने के लिए? देखिए ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की है, पूरे देश की है, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, सबका वेलकम है। जो भी अच्छे लोग हैं, जो देश को विकसित बनाना चाहते हैं, जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। अब बजरंग दास गर्ग जी बैठे हैं, ये पहले INLD में थे, बीजेपी में थे, कांग्रेस में थे, कौन मना कर रहा है? अब अगर कोई आदमी अगर पार्टी में आता है, मान सम्मान भी ना दे, मान सम्मान अगर मिलता है किसी को, कोई अच्छा इंसान है और वो अच्छा करना चाहता है देश के लिए, वो आगे ना बढ़े। ये लोग सिर्फ परिवार से बाहर निकलना नहीं चाहते, कांग्रेस की पार्टी एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, उस परिवार से बाहर नहीं निकलना चाहती। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अरविंद केजरीवाल से बाहर नहीं निकलना चाहती, और इनेलो की पार्टी जो बड़ा परिवार से बाहर नहीं निकलना चाहती। ये इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें भारत ये कोई भी नागरिक कुछ नहीं कर सकता अगर ये लोग अपने परिवार से नहीं निकलना चाहते। आप जो ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, संगठन को आगे बढ़ाती है, मैं बार बार कह चुका हूँ। तो अगर उस संगठन में अब जो लोग मेहनत कर रहे हैं, परिवार की बात नहीं है यहाँ पर, कार्यकर्ताओं की है। सुनैना चौटाला ने कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है और वो कार्यकर्ताओं पर अपना, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जीतने का कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, अगर उन्होंने राजनीतिक कैरियर में अच्छे काम किए हैं, राव इंद्रजीत जी हैं गुड़गांव से, गुड़गांव लोकसभा से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, जनता की आवाज है, तो क्या उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए? धर्मवीर जी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, जीते, क्या वो जनता की आवाज है तो उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए? ये अपने बारे में तो कुछ भी बोलेंगे, हम भी तो जनता से सर्वे कराते हैं कि जनता किसका नाम चाहती है, किसको चाहती है जनता। मोदी जी का जो मॉडल है वो यही तो है कि जनता के बीच में रहना है और जनता से जानना है कि कैसे आगे निकलना चाहिए। उनको नहीं चाहती थी जो सर्वे है, सर्वे में सर्वे जो चीजें चल, नाम बदला गया कि जनता उनको नहीं चाहती थी, आप नहीं। अगर कोई और कैंडिडेट आ गया तो उसमें नुकसान क्या है? ये तो संगठन में प्रक्रिया होनी चाहिए, ये इनकी तरह नहीं है जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेगा, ओम प्रकाश चौटाला लड़ेगा, दिग्विजय चौटाला लड़ेगा, ये लड़ेगा, मतलब पूरे परिवार की फेहरिस्त नहीं चलती यहाँ पर। यहाँ पर संगठन में जो अच्छा काम करते हैं पार्टी को लगता है कि अब इसको मौका देना चाहिए। अरे नायब सिंह सैनी जी को मौका नहीं दिया क्या? अभी अभी मनोहर लाल जी का 9.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, मनोहर लाल जी के टाइम पे मनोहर सरकार चली और अब अगले जो दिन होंगे वो नायब जी के साथ नायब सरकार हरियाणा के अंदर चलेगी और बहुत सारे जो 95 दिन का समय हमें मिलेगा, 92-95 दिन का, उनमें बेहतरीन काम करके हम आप लोगों को दिखाएंगे और जितने भी काम हमने किए हैं वो सारे जनता के सामने और जनता पसंद करती है। मैं एक बहुत पूरी डिबेट को सुन रहा था, मैंने देखा कि जितने भी मेरे साथी प्रवक्ता हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बोलते रहे। इससे मुझे खुशी हुई, मुझे लगता है अगर सबके मुंह पर एक ही नाम है भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार पूरा अब की बार निश्चित है, क्योंकि विपक्ष भी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए बार बार में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का नाम लिया जाता है। और अलायंस ज्योति जी, अलायंस, अलायंस की मैं बात करूं इनसे, आप लोगों ने अलायंस किया, क्या मजबूरी थी इनकी कि हरियाणा में एक सीट पर अलायंस किया इन लोगों ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, और पंजाब में नहीं किया, दिल्ली में फिर कर लिया, कैसी मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है? बार बार ईडी का नाम लेते हैं आम आदमी पार्टी वाले, आम आदमी पार्टी वाले से पूछना चाहता हूं, क्या चित्रा सरवारा को ईडी का डर दिखा के लेके आए थे, निर्मल सिंह को ईडी का डर दिखा के लेके आए थे, अशोक तंवर जी को ईडी का डर दिखा के लेके आए थे, बंताराम बाल्मी को ईडी का डर दिखा के लाए थे, या रामवीर एमएलए को ईडी का डर दिखा के लाए थे? किसका डर दिखा के लाए थे आप लोग? आप लोगों के पास आ जाए बहुत अच्छा है जी, अच्छा इंसान था, भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो ईडी नाम का यूज करने लग जाते हैं,
बेशर्म हो गए आप लोग, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे आज स्वतंत्रता से काम कर रही है ईडी और सीबीआई, आपके नेता अगर भ्रष्टाचारी हैं तो जेल के अंदर जाएंगे। कोई भी सीएम हो, चाहे आपका मॉडल, आप लोग कहते हैं चिकित्सा स्वास्थ्य का मॉडल है, अरे वो जेल में सड़ रहा है आपका चिकित्सा स्वास्थ्य का मॉडल। कैसे आप लोग काम करते हैं, दवाइयों में घोटाले आप लोग करते हैं, नकली दवाइयां बेचने का काम आम आदमी पार्टी दिल्ली में अंदर करती है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसे ऐसे बात करते हुए। यहाँ पर पंकज बेनीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी ज्योति जी कार्यकर्ता की पार्टी है और कार्यकर्ता सोच सकता है कि मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और करके दिखाया है और बार बार ऐसा। बजरंग जी कुछ बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। बजरंग जी, हुड्डा साहब ने कहा कि वो तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, शैलजा और सुरजेवाला को लेकर कह रहे हैं कि मुझे खुशी होगी अगर वो चुनाव लड़े, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि सारे बड़े नेता विधानसभा चुनाव ही लड़ना चाहते हैं? और क्या, सुन तो लीजिए सर, सवाल तो सुनिए, क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में हार का डर है, या फिर सभी बड़े नेताओं को सीएम की कुर्सी नजर आ रही कि विधायक बनना है और अगर सरकार आती है तो सीएम बनना है? ज्योति जी, सारे कांग्रेस नेता समझते हैं हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, और आपने भी कहा था भी भाजपा ने जिनको टिकट नहीं दी या उनको जिसको दन किनारे किया उनसे जनता नाराज थी, तो इससे साफ सिद्ध हो जाता है मनोहर लाल खट्टर जी से हरियाणा की जनता नाराज थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनारे कर दिया। यहाँ तक कि साहब एमपी की टिकट बजरंग दास गर्ग जी करनाल से एमपी का चुनाव लड़ने वाले हैं, एमपी बनेंगे वो अपनी बार, विधानसभा नहीं अपनी बार, वहाँ पर दिल्ली में जाकर गर्जेंगे और हरियाणा के मुद्दे अपनी बार संसद में उठाएंगे और हरियाणा के खिलाफ संसद में बैठे करेंगे। आपके जैसे नहीं है कि बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। 70% इसकी आवाज चेक कर लो, यही भी नए नाग ने ये डिबेट खराब कर रहे हैं, इधर हर के बीच में बोल रहा है 70% एक व्यक्ति बोल रहा है, बाकी पांच व्यक्ति चुप बैठे, इनको ही बुलवा लो, कोई नहीं बुलवा रहा है, चुप रखा है। कितना इन कांग्रेस के, मैं सवाल दे रहा हूं, मैं कहता हूं प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से बेहद दुखी है और मुक्ति चाहती है, और एक नहीं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, डरती है। चुनाव कौन लड़ रहा है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सरकारी एजेंसियां चुनाव लड़ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का पटा पहन ले वो ईमानदार, बाकी सारा देश चोर। आपके सामने किस प्रकार इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से करोड़ों अरबों में चंदा लेकर लूट घुसूट की दुकान खोल रखी है, शर्म आनी चाहिए। गोमांस बेचने वाले व्यापारी से इन्होंने करोड़ों रूपए चंदा ले लिया। कहते हैं कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, शैलजा भी कह चुकी है कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बाकी जो भी हाईकमांड डिसाइड करेगा करेंगे, तो क्यों बचने लोकसभा चुनाव लड़ने से बड़े नेता? का पूरा जवाब दूंगा, मैं कहता हूँ कोई नहीं बचता, हर एक आदमी को पता है और घर घर के अंदर एक संदेश है, अब की बार भाजपा को घर बिठाना है, कांग्रेस को लाना है। हर एक नाता चाहता है मैं मुख्यमंत्री बनूं, हर एक का मन चाहता है बनना चाहिए, लोगों को उम्मीद है कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जहां तक कि आपने पूछा कैंडिडेट का सवाल, और मैं दावे के साथ कहता हूं हर सीट के ऊपर 10-10, 20-20 कैंडिडेट की ऐसा जुत्तम बसाती है कि मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, पैनल तैयार हो चुका है, दिखाई चप्पल चले थे संगठन निर्माण के लिए, पैनल वो गुत्था गुत्थी गालियां जूते चप्पल संगठन निर्माण में देखे हम लोगों ने, हम आई उठने से उसके टीम पर चलाए हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी पार्टी में लाठियां जूते चप्पल गालियां सब चलता है, संगठन की बात थी जब टिकटों पर तो घमासान होया होगा बिल्कुल। दो तीन गलत बात कर रहे हैं, बहुत गलत बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ छह, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है, और छह आदमी यानी कि 9 में से 6 व्यक्ति का सिंगल पैनल फाइनल हो चुका है, 3 के अंदर 2 और 3 आदमी के नाम है उनका और फाइनल हो के, और उम्मीद है
कल की जो है हमारा फाइनल हो सकता है, मैं दावे के साथ तो नहीं कहता, कल हमारी लिस्ट आ सकती है हरियाणा की, मगर जिस प्रकार कहते हैं भी कांग्रेस के पास कैंडिडेट, अरे तुम कांग्रेस के उधारे कैंडिडेट मांग के तो चुनाव में उतार रहे हो, आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आपके आदमी आज भी हिसार जिले के अंदर कईयों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, कुलदीप बिश्नोई उसके लड़के ने ट्वीट किया है, बिश्नोई समाज ने एक प्रस्ताव पास किया है, इन्होंने पीठ में छोड़ा गुप्त है बिश्नोई समाज के, इन्हीं में अखबार दिखा दू ट्वीट दिखा दू, ये वो लोग बोलते हैं जो जनता के साथ धोखा करते हैं, पहला तो उनको चोर कर देते हैं, कुलदीप चोर, ईडी का घोटाला 200 करोड़ खा गया, फिर उसको पटा गरा करते हैं, फिर उसको ईमानदार बनाते हैं, फिर कहते हैं उसको हम राजस्थान में यूज करेंगे क्योंकि बिश्नोई बॉयमल काफी सिद्ध है, हम उसको वहां चुनाव लड़ाएंगे, नहीं हिसार में लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे, कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा, तो ये आपको पता है बीजेपी के किसी नेता ने कभी ये नहीं कहा कि इनको राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे या इनको हिसार का टिकट देंगे, किसी भी नेता ने अगर कहा है तो आप बाइट सुना दीजिए या नाम भी ले दीजिए, आप यही कह रहा मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान के अंदर एक बार नहीं कई बार यह कराया भी, राजस्थान के अंदर हम चुनाव लड़वाएंगे लोकसभा का, और उनकी ड्यूटियां लगाई गई, सह प्रभारी चुनाव का राजस्थान में बनाया गया, और सुन लो हिसार की सीट के वास्ते भी हिसार से चुनाव लड़ेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि लड्डू खान ने कहा था वहां क्या लेने के लिए था, कैसी बात कर रहे हैं, कहता था इनको इनको आप बताइएगा, आपने भाभी मुख्यमंत्री हूँ अपने टाइम में, जवाब अभी तो नहीं, नहीं पंकज अपने समय, मैं प्रदेश अध्यक्ष अपनी कुलदीप बिश्नोई हर एक बयान देख लो कांग्रेस के समय कहता था मैं भाभी मुख्यमंत्री हूँ मैं प्रदेशाध्यक्ष बनूंगा, खुली छूट थी, आज वो नू भी नहीं कहता कि मैं मंत्री बनूंगा या मुझे मंत्री बनाएंगे या पार्टी में कोई पद मिलेगा, क्यों उसके ऊपर पट्टा डाला हुआ है, आपको भी पता है 200 करोड़ रुपए घोटाले का, तो ये फर्क है ना, बीजेपी में अनुशासन है, आपने तो खुद ही माना कि हाँ हमारे सारे बड़े नेता सीएम बनना चाहते हैं, तो लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा सवाल ही है, सवाल तो बाकी है ना, आपने कहा कि इनको लग रहा है कि सरकार आएगी तो सीएम सभी बनना चाहते हैं, ये ईडी का ज्योति जी आपको पता है ईडी का सीबीआई का खेल है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ईडी और सीबीआई चुनाव लड़ रही है, ये पट्टा बनाया हुआ है, जो पट्टा है आप सुन लो, मैं आपको एक बात, ठीक है आपका आपका सवाल आ गया, नहीं बताता हूँ आपको, नहीं आपका सवाल आ गया, आपकी एक नई बात सुन लो ज्योति जी, जेजेपी जो कैंडिडेट खड़े करेगी, भारतीय जनता पार्टी जो लिस्ट देगी वो खड़े करेगी, क्यों खड़े करेगी, उन्होंने कांग्रेस के वोट काटने हैं, और उनका दबाव इतना दबाव है, अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर उसकी बात नहीं मानी, सुबह पहले ईडी और सीबीआई के घेरे के अंदर घोटाले, शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले, खनन घोटाले, जो जितने महकमे जेजेपी के पास था सारी दुनिया पता है, उसकी एफआईआर दर्ज, सभी की एफआईआर दर्ज, एसआईटी गठन है, फाइल पेंडिंग पड़ी है, जिस दिन भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, चले बजरंग जी मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ रही हूँ, आपकी बात पूरी हो चुकी है, घर में डहीनवाल जी दो उम्मीदवार दस्तक होंगे, सिर्फ भारत कांग्रेस की वोट काटू पार्टी जेजेपी पार्टी है, वो चुनाव नहीं लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और बी टीम के नाते वो काम करेगी, उसके अलावा, और ठीक है डहीनवाल जी दो नाम आपने लिए पिछले उत्तर में, दो नाम लिए आपकी पार्टी से, अलग अलग प्रवक्ता जब भी आते हैं, एक प्रवक्ता कहते हैं कि हम दो सीटें जीतेंगे, एक कहते हैं हम चार जीतेंगे, रजवन डहीनवाल को क्या लगता है कितनी सीटों पर जीत हो सकती है आपकी पार्टी की? देखिए ज्योति जी, क्या है कि जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब तक हम ये सोच रहे थे कि हमारी पार्टी दो सीटें निकाल सकती है, लेकिन एक कैंडिडेट का जब हमारा अब दूसरी पार्टियों के जब कैंडिडेट सामने आए तो यह लगने लगा कि कांग्रेस कहीं लाइन में है ही नहीं। कारण क्या था कि जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में रहेंगे आप ये मान के चलना कि कांग्रेस का कुछ भी नहीं होने वाला। कारण क्या है कि वो लड़ाई
जनता की लड़ने की बजाय या सत्ता पक्ष से लड़ाई लड़ने की बजाय वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़ते रहते हैं और उसकी वजह से आपके दुकान में सौदा है क्या? गर्ग साहब, गर्ग साहब, मैं कह रहा हूँ गर्ग साहब एक मिनट, आपकी दुकान में सारा सौदा है गर्ग साहब, आपकी दुकान में सारा सौदा है लेकिन सौदा निकाल के दिखाओ बाहर। मैं कह रहा हूँ गर्ग साहब ये नहीं कहना चाहिए कि किसकी दुकान में कितना सौदा है, सौदा अगर आपकी दुकान में होता तो आप मार्केट में माल लेके आते, आप मार्केट में माल लेके आते, आपका सेनापति, आपका सेनापति आपको पता है ना, आपका सेनापति युद्ध से पीछे हट रहा है, आपका दरबारी घोड़ा युद्ध से पीछे हट रहा है, आपको पता है आपका जंगी घोड़ा कहाँ गया? गर्ग साहब बीच में बोल के आप भाई मेनीवाल वाली श्रेणी में जा रहे हो, गर्ग साहब आप बीच में बोल के भारतीय जनता पार्टी वाली श्रेणी में जा रहे हो, ऐसे बात नहीं पड़ेगी। आप भी तो बीच में बोल रहे हैं, आप ज्योतिष आप पूछिए, इन्होंने गर्ग साहब एक सभा भी कभी भी गर्ग साहब आपका नंबर आए तो पूछ लेना ना, आपका नंबर आए गर्ग साहब तो पूछ लेना। तो ये फ्रेंडली गेम चल रही है, नहीं नहीं ये फ्रेंडली गेम चल रहा है आप लोगों का कि आप नाम नहीं लेते ये भी नाम नहीं लेंगे, इनको तो अपनी बात कहनी है, आप अपनी तरीके से अपनी बात कहेंगे, अपने तरीके से कहेंगे, गेम की बात नहीं ज्योति जी, नहीं आप कह रहे कि मैं नेहरू का नाम नहीं लेता, तो आपकी इच्छा है ना, बीच में नहीं बोलता गर्ग साहब, गर्ग साहब थम जाए, थम जाए, कांग्रेस हालांकि ठीक है, सुनो सुनो मैं आपका कांग्रेसी नहीं हूँ, आप और किसी के साथ जाके खुल लेना, आप और किसी से जाके लड़ो, हकीकत ये है कि आपके पास उम्मीदवार नहीं है, आप इस चीज को स्वीकार करो, कांग्रेस के पास ये कांग्रेस को ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि उसके बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं और इंडियन नेशनल पार्टी अपने संगठन के दम पर, अपने मजबूत कार्यकर्ताओं के दम पर लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ज्योति जी को बीच में बोलने से ऐसे मना, ऐसे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता ज्योति जी इनको बीच में बोलने से। बजरंग जी आप सुन लीजिए, ज्योति जी थोड़ा सा तो कंट्रोल करो ना, डाजू बता दे आप कैंडिडेट बजरंग जी, बजरंग जी आप इनको इनको बात नहीं कहने देंगे, क्या तरीके है आपका बजरंग दास जी, क्या तरीके है आपका? चौथा आदमी ज्योतिष को चौथा आदमी के पास हुई है क्या, नुक पूछ लो चौथा आदमी, आप बीच में बोल के क्या जाहिर करना चाह रहे हैं, चौथा आदमी आप बीच में बोल के क्या जाहिर करना चाह रहे हैं, कैंडिडेट आपने एक भी डिक्लेयर नहीं किया है, पार्टी आपकी बड़ी मजबूत है, आपने हुड्डा साहब को लेकर कमेंट किया तो बजरंग जी को गुस्सा आ गया, बजरंग जी गुस्सा हो गए हुड्डा साहब को लेकर आपने जो भी बोला, बजरंग जी बोलने दीजिए, ये भी तो बोलने आए आप, ये नहीं है कि आप बीच में बोलेंगे, ये तरीका गलत है आपका, हुड्डा जी को लेकर जो कहा उस पर बुरा मान गए हैं बजरंग जी। देखिए एक चीज है बोले डेनवाल जी, तो स्वाभाविक है हुड्डा जी के नहीं बोलूंगा तो और मैं किसके ऊपर बोलूंगा, गलती तो सेनापति तो हुड्डा साहब है, वो तो खुद स्वीकार कर रहे हैं सेनापति बोला मैं हूँ, लेकिन बोला चुनाव लड़े सैलजा, चुनाव लड़े सुरजेवाला जी, बोला मैं तो नहीं लड़ूंगा, अब और उनको और नहीं तो किसको कहूंगा, मैं जाके बसपा की प्रधान से कहूंगा क्या, अब चुनाव तो लड़ेगा वो आ जाएगा ना, अब दूसरी बात एक मिनट बीच में नहीं, थोड़ी देर सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे आपको काम करना है, हुड्डा साहब ने ये कहा है कि बीजेपी की जय बोलो, अपने आप को बचाए रखो, वो ईडी की रेड पीली फाइल शायद आपको भी नजर आ गई क्या, वो पीली फाइल आपको भी नजर आ गई क्या, मेरे को अपनी बात ना कहने देना, बजरंग जी इसका मतलब क्या है, बजरंग जी गलत नहीं है, गलत कर रहे आप बीच में, ये गलत तरीका आपका बजरंग जी, गलत गलत तरीका नहीं, कितने समय नहीं अभी मुझे वाइंड अप भी करना देखिए, आप भी जल्दी बात पूरी कीजिए रहने वाले, ज्योति जी मेरे को 10 सेकंड का समय दे दीजिए, मैं बात पूरी कर देता हूं। एक तो चीज हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि जो भी हमारे साथी हैं बीजेपी के प्रवक्ता वो ये कह रहे थे कि जो देश का विकास चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, मैं निश्चित तौर पर इनकी बात से सहमत हो जाऊंगा, लेकिन एक बार इनसे पूछे, आज एक कर्नाटक से जनार्दन रेड्डी आया जिनके ऊपर 9 मुकदमे दर्ज है, क्या वो देश का विकास चाह रहे हैं, जिन कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल को आपने पार्टी में लिया है, वो आपकी पार्टी में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दे दिया, जिनके ऊपर बार बार आप आरोप लगाते थे कि कोयला घोटाले के दागी हैं ये, आज वो देश का विकास चाह रहे हैं, आप इस तरह की बातें करके जनता को भ्रमित करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, ये हकीकत है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने इनके अभी पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन कभी आपने देखा कि इनके सांसद ने कभी जनता की आवाज को उठाया हो, इनके सांसदों का एक काम है वो मैंने भी देखा है आप भी देखते हो, इनके सांसदों का काम है विषय मैज थपथपाकर मोदी जी की आवाज को बुलंद करना, मैज थपथपाकर मोदी जी की हा हा भरना, मोदी जी के खिलाफ
जो कोई नारे बोल लगाता है उनको दबाने का प्रयास करना और मोदी जी की जय जयकार करना। बाकी जनता के कोई मुद्दे इन्होंने उठाए हो, किसानों के कोई मुद्दे उठाए हो, बेरोजगारी से संबंधित इन्होंने कोई मुद्दे उठाए हो तो बताओ। लेकिन अब ये वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के सामने जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी जैसे जनता के बीच में जाने लगे थे, आपने देखा किस प्रकार से उनका विरोध हुआ था। उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने सरकार बदलने का काम, उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। तो डाइनवाल जी सुनिए, तो सुनिए अभी, लेकिन जनता अब जाग चुकी। जी बोलिए सुमित जी। देखिए अभी जब हम बात कर रहे थे तब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बहुत सारी बातें करी कि आपने जो भी बोला, भाजपा को बोला, मोदी को बोला, आप अगर इसी व्यक्ति वापिस आएंगे तो केजरीवाल से इनकी बात शुरू हुई और आम आदमी पार्टी से आके इनकी बात खत्म हुई। तो सबसे पहले खुद को देखना चाहिए कि आप खुद क्या करें। मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात पूछता हूँ, क्या आप 9.5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया उसको लेकर, उस काम को लेकर आप लोग वोट मांगने जाएंगे? आप किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, क्या आप वोट मांगने जाएंगे? आपने महिला सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ करा है, चाहे हरियाणा हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे कठुआ हो, चाहे हाथरस हो, उसको लेकर आप वोट मांगने जाएंगे? व्यापारियों के ऊपर दिन रात जो गोलियां चली हैं, किसानों के ऊपर जो आपके मंत्रियों ने गाड़ियां चलाई हैं, क्या उस बात को लेके आप लोग वोट मांगने जाएंगे? और ये बड़ी बड़ी सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम लोग राशन दे रहे हैं, 160 करोड़ देशवासियों में 80 करोड़ को आप लोग राशन दे रहे हो और आप बोलते हो कि मेरा विकासशील भारत है, विकसित भारत है। अरे आप अगर उन 80 करोड़ लोगों को इस लायक बना पाओ, उनको नौकरियां दे पाओ परिवार में, तो उनको आपके एक मुफ्त के राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दिन रात मेहनत करके ईमानदारी के साथ अपने घर का लालन पालन करेंगे। लेकिन जो आप लोगों ने क्रम था, जो आपके जुमले थे, वो पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने देख लिए हैं। जी सुमित जी, मैं जादून जी से आखिरी कमेंट चर्चा कर ले रहे हूँ, माफ कीजिएगा सर, मैं कमी से बोले, जादून जी आप बोले। देखिए ऐसा है कि वैसे तो चैनल के माध्यम से भी बात होती है, लेकिन ये जितने भी दल है भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट, उनको अपने कैंडिडेट घोषित करके लोगों के बीच में जाना चाहिए। जो मुद्दे यहाँ उठा रहे हैं वो लोगों के बीच में भी उठाना चाहिए ताकि जो है चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़े। नहीं तो ये लगता है कि चुनाव लगता है कि एक तरफा ही होने जा रहा है, क्या विपक्ष जो है इतना सहमा हुआ है कि वो अपने प्रत्याशी घोषित करने को तैयार नहीं, कहीं मैदान में जाने को तैयार नहीं। तो ये 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 एक तरह का गतिरोध है, ये गतिरोध होना चाहिए। एक तरफ तो बात करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है, तो संविधान और लोकतंत्र तो तभी जीवित रहेगा ना जब विपक्ष भी मजबूत रहेगा। तो विपक्ष को अपनी मजबूती दिखाना चाहिए और चुनाव मैदान में जाके उतरना चाहिए, लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए। और जो भी मुद्दे हैं, अगर वो मुद्दे इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये मुद्दे उनको सफलता दिला सकते हैं, तो लोगों के बीच में जाएं और अपने प्रत्याशी घोषित करें और मुद्दों को उठाएं। जी जादून, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने चुनाव की तैयारियों को लेकर की। बीजेपी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, अन्य दलों का अभी इंतजार बाकी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।